हेलो दोस्तों, 10 फलर या 2 फलर, ठीक है, एक पाइप पर पानी गिराएंगे, सभी नलों में बराबर का प्रेशर आएगा, और वो कैसे आता है पूरा वीडियो पर बने रहे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे चैनल लक्की प्लम्बर प्लम्बर एंड वाटर टेस्ट में। तो सीधे चलते हैं पॉइंट पर और वीडियो को पूरा गौर से देखें ताकि आपको समझ में आए। इधर 2 पॉइंट लगा हुआ है, एक मेरा एक बेसिन के लिए, एक सिस्टर्न के लिए, इधर एक नल के लिए, और ये वाल मिक्सर सिस्टम बना हुआ था। और सिंपली अभी नल लगा हुआ, काम चल रहा है हम लोग का, और नीचे पेन बैठाना बाकी है। तो प्लास्टर होगा, उसके बाद हम लोग पेन बैठाते हैं, ताकि पेन लगाने में आप कोई परेशानी ना हो और प्लास्टर वगैरह करने में कोई परेशानी ना हो। इधर एक शावर पॉइंट है, उधर बगल में देखा आप गीजर पॉइंट था। चलिए सीधे चलते हैं बाहर में और देखते हैं, बाहर में समझाते हैं आपको कैसे हम लोग बनाए हैं। ये हम लोग टोटली 4 फ्लोर वाला मकान है, ठीक है। और वीडियो को अगर समझना है तो पूरा गौर से देखें। तो ये 3 इंची लगा हुआ है, सीधे नीचे गया हुआ है। या बाहर में हम लोग का बेसिंग पॉइंट है, जिसके लिए बगल में एक पॉइंट छोड़ा हुआ देख रहे हो। बालकनी का भी पानी पानी जाएगा और बेसिंग का भी पानी जाएगा। और उस जरा सिस्टम जो बना हुआ है हम लोग का, यहीं पर ही है। ये जो हम लोग देख सकते हैं, जो ऊपर से सीधे पाइप आया हुआ है और नीचे की ओर गया हुआ है, ठीक है। और उधर से एक बाईपास करके फिर एक नीचे किया गया हुआ है। तो 4 इंची में कुछ समझना है नहीं, समझना है आपको 1.25 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची या 1.25 इंची, जो भी लगाते हैं आप लोग लगा सकते हैं। तो सारे लगाने का तरीका यही है कि जो पाइप ऊपर से उतरा हुआ रहता है उसको डायरेक्टली ऊपर से डाल के, और उसको सबसे पहले ऊपर फ्लोर में डाल दें ताकि उसका जितना ज़रूरत पानी हो वो अपना ले ले। और अधिकतर नल लगता है हम लोग का 7 फीट पर ही, तो बाईपास जो हम लोग किए हैं पूरे 8 फीट पर किया हुआ है, ठीक है। दूर करके दिखा रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए यार, ये हम लोग का जो बाईपास है पूरे ऊपर पर देख सकते हैं वो 8 फीट पर है, और नीचे हम लोग नल लगता है 7 फीट पर, इसलिए उसको पूरा पहले पानी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सिंपली एक लाइक कर दें, और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल का आइकन आता है तो उसको ऑल पर सेट कर, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको